हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडक्शन मोटर ड्राइव के बारे में। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, इस लेक्चर से हम इंडक्शन मोटर ड्राइव का शुरुआत भी करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडक्शन मोटर ड्राइव एक आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ड्राइव है। ठीक है दोस्तों, उसका कारण क्या है दोस्तों, इंडक्शन मोटर ड्राइव डीसी ड्राइव से बेटर है। ठीक है दोस्तों, पहले के ज़माने में डीसी ड्राइव का यूज़ होता था, डीसी ड्राइव का। उसका कारण था दोस्तों, इसका कंट्रोल इजी था और इंडक्शन मोटर का जो कंट्रोल था वो इजी नहीं था दोस्तों। इंडक्शन मोटर का जो कंट्रोल था दोस्तों वो इजी नहीं था। ठीक है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स कंट्रोल था। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ दोस्तों सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का, जिसका हमने पिछले लेक्चर में हमने सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में चॉपर फेड और रेक्टिफायर फेड ड्राइव के बारे में भी देखा दोस्तों, डीसी मोटर के केस में, इसके भी केस में देखा दोस्तों, इसके केस। तो जब से सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन हुआ दोस्तों, तब से हम एसी इंडक्शन मोटर का प्रिसाइज कंट्रोल करने में सफल हुए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि इंडक्शन मोटर ड्राइव जो है वो पॉपुलर क्यों है। तो उसके जो दोस्तों एडवांटेज ऑफ इंडक्शन मोटर ड्राइव ओवर डीसी ड्राइव। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं कि इंडक्शन मोटर ड्राइव का एडवांटेज क्या है डीसी ड्राइव के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी इफिशियंसी। ठीक है दोस्तों, इंडक्शन मशीन की इफिशियंसी डीसी मशीन से ज़्यादा होती है दोस्तों। दूसरा रीज़न इसका क्या है दोस्तों, कि इसका सिंपल स्ट्रक्चर। जैसे कि जानते हैं दोस्तों कि आपने डीसी मोटर के केस में देखा होगा, डीसी मोटर के केस में हमारे कम्यूटेटर्स होते हैं, कार्बन ब्रशेस होती हैं, उसके अलावा आर्मेचर और स्टेटर दोनों पे वाइंडिंग्स होती हैं। तो इस तरीके से पूरा एक स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जबकि हम इंडक्शन मोटर की अगर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की बात करें दोस्तों, तो उसमें एक स्टेटर वाइंडिंग होती है और दूसरा दोस्तों क्या होता है कि आर्मेचर के प्लेस पे सॉलिड कंडक्टर्स। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों, लाइफ टाइम। इंडक्शन मशीन की लाइफ टाइम इसकी ज़्यादा होती है, मशीन की लाइफ टाइम डीसी मशीन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है दोस्तों। इससे कॉन्सेप्ट से भी हमको क्लियर है कि अगर डीसी मशीन का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, तो उसमें उसके ख़राब होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। उसमें ख़राब होने के लिए ज़्यादा चीज़ है दोस्तों, जैसे उसमें कार्बन ब्रशेस है वो घिस सकती हैं, वियर एंड टीयर की वजह से आपके कम्यूटेटर शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं दोस्तों। दोनों वाइंडिंग में दोस्तों आपके हीटिंग की वजह से किसी भी वाइंडिंग में अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, इंसुलेशन का ब्रेकडाउन हुआ, तो आपकी मोटर वर्क नहीं करेगी दोस्तों। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से दोस्तों हम इंडक्शन मोटर का ज़्यादा यूज करते हैं। एक और फैक्टर्स है दोस्तों, जैसे मैं मानता हूँ जो दोस्तों कि रेडली पावर सप्लाई जो है दोस्तों, इसके लिए पावर रेडली अवेलेबल है दोस्तों। रेडली अवेलेबल कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप डायरेक्ट सप्लाई जो हमें मिलती है घरों में, वो इसी के फॉर्म में होती है। ठीक है दोस्तों, एसी के फॉर्म में होती है और हम उसको डायरेक्ट हम इंडक्शन मोटर में यूज कर सकते हैं। जबकि डीसी के केस में दोस्तों आपको रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा या बैटरी का पावर बैंक रखना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप उसका ऑपरेशन करेंगे। तो ये तो चार रीज़न है दोस्तों, तीन चार रीज़न जिसकी वजह से हम इंडक्शन मोटर को ज़्यादा यूज करते हैं और आजकल इंडस्ट्रीज में इसका ज़्यादा यूज किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हम इंडक्शन मोटर ड्राइव को डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो उससे पहले दोस्तों हम थोड़ा सा इंडक्शन मोटर मशीन का स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं स्टार्टिंग। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर मेनली हम दोस्तों इस पूरे ड्राइव के केस में हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करेंगे दोस्तों। सबसे बड़ी बात है दोस्तों ये समझने की, हम इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर की, और बाकी हम आगे इसके सारे करेक्टरिस्टिक्स को और बाकी सारी चीज़ों को हम देखते चलेंगे, स्पीड कंट्रोल और बाकी चीज़ों को।
तो अभी इस पूरे सीरीज ऑफ लेक्चर का स्टार्ट करेंगे हम दोस्तों स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये इतना बड़ा टॉपिक क्यों बना स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग सबसे बड़ी इतना बड़ा टॉपिक इसलिए बड़ा दोस्तों कि जैसे आप मोटर को इंडक्शन मोटर को पावर सप्लाई देते हैं, इंडक्शन मोटर को आप पावर सप्लाई देते हो दोस्तों, वो एक सेल्फ स्टार्टिंग मशीन होने की वजह से रन करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है दोस्तों, और एक फिक्स स्पीड पे आके रोटेट करने लगती है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही साथ क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही आपने अगर इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मशीन है तो जैसे ही आपने इसको पावर सप्लाई दिया, इसका पावर सप्लाई ऑन किया, ये स्टार्ट होके एक फिक्स स्पीड पे रोटेट करने लग जाएगी। तो दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये होता है कि जैसे ही हम पावर सप्लाई देते हैं तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट मोटर ड्रॉ करती है, जो कि यूजुअली दोस्तों सिक्स टाइम्स इसके ऑपरेटिंग करंट के 6 times होता है, समटाइम्स 7-8, 6-7 times ऐसे होता है दोस्तों। तो इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट ये ड्रॉ करती है। तो इसका रीज़न क्या है दोस्तों कि जैसे ही आपने मशीन को ऑन करा, उसमें वाइंडिंग में जैसे दोस्तों जानते हैं मेनली इंडक्टेंस होता है और रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही आपने वोल्टेज सप्लाई इसको दिया, रेजिस्टेंस कम होने की वजह से एक हाई करंट ड्रॉ होता है, या तो दूसरे शब्दों में हम इसको कहें दोस्तों कि मोटर को एक्साइटेशन की ज़रूरत होती है, उसकी स्टेटर वाइंडिंग को एक्साइटेशन की ज़रूरत होती है। तो उस पीरियड के दौरान एक ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट आपका ड्रॉ हुआ किसी भी सिस्टम से, तो इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों कि जो कनेक्टेड डिवाइसेस जैसे दोस्तों आपके घर में, अगर आपने दोस्तों मोटर पंप को ऑन किया होगा, अगर आपके घर में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी होगा जो कि आपके समरसेबल वगैरह और बाकी अगर आपके टैंक में पानी भरने के लिए यूज किया जाता होगा, उस केस में भी आपने देखा होगा दोस्तों बूस्टर पंप के केस में कि जैसे उसको ऑन किया जाता है आपकी पावर सप्लाई में ग्लिच आता है दोस्तों। पावर सप्लाई हल्की सी थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है दोस्तों, थोड़ी देर के लिए अचानक से पावर सप्लाई में हल्का सा एक क्या आता है दोस्तों, फ्लक्चुएशन आता है। तो इस वजह से क्या होता है दोस्तों, अभी जैसे एक मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो आपकी मोटर होगी वो 1 HP की मोटर होगी, यानी 760 वाट की, 60 वाट की होगी, उससे उसकी वजह से दोस्तों ये ग्लिच हमारे सर्किट में आ रहा है। लेकिन जब हम इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी बड़े बड़े मोटर्स यूज होते हैं, उस केस में दोस्तों हमारा पावर सप्लाई पावर ग्लिच काफ़ी ज़्यादा होगा दोस्तों। और इसके वजह से क्या होता है दोस्तों, कई बार आपके जो इतना ज़्यादा करंट ड्रॉ किया जाता है, अगर मोटर की रेटिंग 100 kW तक है, 200 kW तक है, या इस तरीके की मोटर्स है दोस्तों, तो इतना करंट वो ड्रॉ करती है कि आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, या बाहर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इक्विपमेंट हैं, या तो इलेक्ट्रिकल में जो आपके स्टेशंस हैं उनके इक्विपमेंट को भी डैमेज कर सकते हैं, जो कि एक एरिया में दोस्तों ब्लैकआउट कॉज कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो अगर हम उसी सोर्स से कनेक्टेड हैं, जिस सोर्स से इंडक्शन मोटर कनेक्टेड है, तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं उनको भी ये डैमेज कर सकता है। जैसे जानते हैं दोस्तों, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं वो फ्लक्चुएशन या दोस्तों DV/DT ये बियर नहीं कर सकते दोस्तों, या इन पे वो फेल हो जाते हैं। जैसे आपने थायरिस्टर का केस पढ़ा होगा दोस्तों, और वो ट्रिगर हो जाता है, अगर DV/DT ज़्यादा हो तो वो ट्रिगर हो जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे आपका टेलीफोन हो या बाकी आपके कंप्यूटर्स हो, अगर वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं उस पावर सप्लाई से जिस समय मोटर स्टार्ट किया जा रहा है, तो आपके वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हम स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थोड़ा सा हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर का दोस्तों। अब अगले लेक्चर में दोस्तों हम टाइप्स ऑफ स्टार्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, और टाइप्स ऑफ स्टार्टिंग के बारे में पढ़ने के साथ साथ दोस्तों, जो पहला उसका स्टार्टिंग का टाइप है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, उसको हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।